वेलकम टू धारी इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल। धारी इंजीनियर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हर रोज की तरह आज फिर से हम लोग एक नए प्लान के साथ आए, आप लोगों के साथ आए, बात करने आए, डिस्कस करेंगे हम लोग इसके बारे में। आज का जो प्लान है वो 35x50 फीट है और ये साउथ फेस का प्लॉट है। तो साउथ फेस में हम लोगों ने वास्तु सेटअप करके पार्किंग के साथ साथ 2 BHK का प्लान बनाया है ग्राउंड फ्लोर पर, जो कि आपके सामने है। और फर्स्ट फ्लोर से एवं में इसमें 3 BHK प्लस ड्राइंग प्लस डाइनिंग का इसमें प्लान आएगा। तो आज हम लोग 35x50 के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। और सेपरेट स्टेयर्स है जो कि काम आएगा आपका रेंटल पर्पज़ के लिए। इसमें 20 फीट लॉन्ग पार्किंग भी हमने दे दिया है, जो कि बड़ी गाड़ी के लिए काफ़ी बढ़िया होता है। ये जो प्लान है ये काफ़ी बढ़िया प्लान है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आगे में हमने खूबसूरत सा एक बड़ा सा गेट दिया है, क्योंकि आपके सामने ये देख रहे हैं ये। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जो चैनल पे पुराने हैं वो तो जानते ही होंगे, हम लोग हर रोज़ एक नए प्लान के साथ आते हैं। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर प्लान अच्छा लगेगा तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो ये देखिए, जैसे ये कि मेन गेट है, मेन गेट के बारे में भी आप हमें कुछ कमेंट बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कैसा लग रहा है डिज़ाइन किया हुआ है हमारी टीम के द्वारा। अभी नया डिज़ाइनर, नया टाइप का ये मेन गेट है। यहाँ से हम लोग मेन एंट्री करेंगे और यहाँ से रैंप बना दिया गया है। यहाँ से रैंप है जो कि 4-wheeler को चढ़ाने में काफ़ी आसान पड़ेगा। थोड़ा सा क्लीन लेवल है इसका अराउंड 2.5 feet का। तो नीचे में पार्किंग, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पार्किंग में गाड़ी लगी हुई है, बड़ी गाड़ी SUV लगी हुई है, काफ़ी अच्छा ही है। और पार्किंग से ही हमने स्ट्रेट में एक फ्लैट का एंट्री दे दिया है, क्योंकि आपके सामने स्क्रीन पर है। ये देखिए ये डोर कैसा लग रहा है, मेन डोर आप ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स करके। और जैसे ही एंट्री करेंगे, एंट्री के साथ ही इसमें डाइनिंग है, डाइनिंग प्लस ड्राइंग है, तो अटैच नहीं है ये। तो ये सबसे पहले ये डाइनिंग है जो कि मेन गेट से ठीक सामने मिलेगा। और वास्तु के अनुसार अग्निकोण पे हमने किचन दिया है, क्योंकि ये देखिए ये किचन है, किचन में गैस वगैरह हमने इंडिकेट कर रखा है। यहाँ पे वॉश बेसिन है, यहाँ पे ये होना चाहिए। और ये बिल्कुल खूबसूरत सा डाइनिंग टेबल है। कैसा लग रहा है ये प्लान आपको, ज़रूर बताइएगा। ये सारा मटेरियल्स जो बनाया गया है इसमें, ये सब कुछ हमारे टीम के द्वारा बनाया गया है, कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। तो यहाँ से हम लोग जब एंटर करेंगे तो सबसे पहले हमने इधर साइड में एक ड्राइंग रूम दे दिया है। तो इधर ड्राइंग रूम हो गया और सामने में टीवी यूनिट है। ये रहा आपका टीवी यूनिट, ये काफ़ी खूबसूरत था टीवी यूनिट हमने दिखाया है यहाँ पर ड्राइंग रूम के ठीक सामने। और इधर साइड में हमने सोफ़ा लगा रखा है, यह है सोफ़ा का डिज़ाइन, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इसमें 2 washroom भी दिया गया है, एक अटैच एक कॉमन, क्योंकि काफ़ी बड़ा साइज में स्टैंडर्ड साइज़ का है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग रूम का साइज। तो रूम है ये रहा 12x10 का, यहाँ से मेन एंट्री होता है रूम का। और ये 12x10 का रूम है, क्योंकि ये बेड वगैरह लगाने के बाद भी काफ़ी स्पेस बचता है। और इसी में भी एक इस वॉल पर आप TV लगा सकते हैं, जैसा कि हमने इंडिकेट कर रखा है। के बाद दूसरा रूम आता है 12x10 का अपोजिट साइड में, ये रहा। तो ये रहा दूसरा रूम 12x10 का ही है। और इसमें क्या है कि एक अटैच टॉयलेट हमने दिया है, जो कि कमोड लगेगा इसमें। और कमोड लगाने के बाद हमने एक वॉश बेसिन भी लगा रखा है अंदर में ही। 4x8 का ये वॉशरूम मिलेगा, यहाँ से एक ये डोर है इस रूम के लिए। तो इसी के साथ हम लोग 2 room हो गया, 2 toilet हो गए, ड्राइंग डाइनिंग किचन। और ये कैसा लग रहा है ये मेन डोर आप ज़रूर बताइएगा हमें, और ये प्लान। और बाहर में हमने पार्किंग से ही एंट्री दे दिया है फर्स्ट फ्लोर पे जाने का, ताकि ये रेंटल पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा यूज़ में आए। तो 7 feet wide इसमें स्टेयर्स है, स्टेप्स काफ़ी अच्छे और छोटे हैं। इसका जो राइजर और ट्रेड जो है हम लोग काफ़ी बढ़िया स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू बायलॉज हमने बनाया है इसका। तो आप लोग भी बताइएगा हमें ज़रूर कि ये कैसा लग रहा है ये प्लान। ये एंट्री हो गया जो कि फर्स्ट फ्लोर पे जाने का काम करेगा, यहाँ से ये रहा ये एंट्री है। बाहर हमने गार्डन के टाइप में 3 feet हमने छोड़ रखा है एयर वेंटिलेशन के लिए, और साइड से भी 1.5 feet छोड़ा गया है। ये बिल्कुल बढ़िया सा प्लान है। और हम लोग इसे ओवरऑल देख लेते हैं कि कैसा ये प्लान है। आपका अच्छा लगेगा तो ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल्स को, धारी इंजीनियर्स को। अगर आपको भी कोई फ्लोर प्लान हमसे बनवाना हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं धारी इंजीनियर्स पटना @gmail.com पे।
और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्प्ले में आ रहा होगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8880738588। तो ये रहा प्लान के, फर्स्ट फ्लोर पे भी हम लोग जल्द से जल्द आएंगे प्लान को, CBHK का प्लान है, प्लस उसमें ड्राइंग जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है, डाइनिंग भी बड़ा हो जाता है और फ्रंट साइड में काफ़ी बढ़िया सा बालकनी है। तो इसी तरह के प्लान हम लोग हमेशा लाते हैं, तो ज़रूर आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ, और नीचे कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। ये देखिए, और किसी तरह का फ्लोर प्लान आपको अगर देखना है हमारे चैनल पे, हमने काफ़ी सारा फ्लोर प्लान अपलोड कर रखा है, बेस्ट फ्लोर प्लान एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल्स पे, जिस पर जो कि आई बटन में आपको मिलेगा, वहाँ पे भी क्लिक करके आप जा सकते हैं, अदरवाइज आप सर्च में जा करके बहुत सारा प्लान है जिसे आप देख सकते हैं। उसमें हम लोग हर दिन कभी 2D और कभी 3D में भी लाते हैं प्लान, तो हर साइज़ का। और अगर आपको भी कोई हमसे फ्लोर प्लान बनवाना हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8880738588 पे, या हमें मेल कर सकते हैं dhariengineerspatna@gmail.com पे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम लोग अगले प्लान में।